सबको स्वागत है मेरा YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे एलजेब्रा का फॉर्मूला। ठीक है, एलजेब्रा का फॉर्मूला जो है वो ऐसा रहता है, मतलब फॉर्मूला तो बहुत सारे होता है, तो कितना हमें याद रखना पड़ेगा, कैसे याद रखेंगे, यही आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला जो आता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा नंबर वन फॉर्मूला है। ठीक है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। दूसरे वाला देखिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अच्छे से देखना, ए प्लस बी होल स्क्वायर में बस टू ए बी का साइन जो है वही चेंज होगा। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर तो जब आया उसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बस सबका रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूला जो होता है वो इसी बेसिस के ऊपर रहता है। और भी सारे फॉर्मूला है, देखते हैं क्या है। अभी देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए। अभी देखिए, ये जो फॉर्मूला आया तो ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर से थोड़ा अलग है, तो क्या क्यों अलग है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, तो इसका तो टू ए भी नहीं आया, तो ये तो फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का नहीं हुआ। तो अलग क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आता है ये। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। अभी आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला क्यों आया, तो अभी देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे बिठा देंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जो रहेगा माइनस टू ए बी वो बस बिठा दिया, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अभी देखिए, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कट गया, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, फॉर्मूला जो है यही असली फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ पे ये दो। अभी देखिए, चौथा वाला फॉर्मूला वो होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या फॉर्मूला आएगा, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अभी देखना, इसे हम सॉल्व करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए ए मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला ब्रैकेट का जो मतलब डिजिट है वो दूसरे वाला ब्रैकेट के फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हुआ ए से, फिर से करेंगे मल्टीप्लाई बी से, मतलब माइनस ए बी, साइन भी आ जाएगा, और यहाँ पे बी को अब ए से करेंगे प्लस ए बी, और ये बी को बी से करेंगे माइनस बी स्क्वायर। अभी देखिए, प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका एक और फॉर्मूला निकल गया। अभी देखना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। इसका दूसरा भी एक फॉर्मूला रहता है, जो कि होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, तो अभी आप समझिए कि ये कैसे होगा, तो ये हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी। हमने यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद प्लस फोर ए बी लिखा दिया है, यदि प्लस फोर ए बी और माइनस टू ए बी तो आ जाएगा प्लस टू ए बी, तो वो होगा आपका ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, ये एक और फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जो है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। ठीक है, ये हमारा एक और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकल गया। अभी देखिए, फिर से हम करेंगे
ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला आएगा, कैसे आएगा देखिए। ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होगा, जो पहले वाला फॉर्मूला हमने किए थे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमने किए थे। अब दूसरा वाला देखना, ये आपका आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ए माइनस बी होल स्क्वायर का ये एक और फॉर्मूला है, जो कि है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। तो अभी देखिए इसे भी सॉल्व करके दिखा देते हैं कि ए माइनस बी होल स्क्वायर आता है कि नहीं। तो पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी। तो देखिए माइनस फोर ए बी और प्लस टू ए बी का सब्सट्रैक्ट होके जो आएगा वो होगा माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका एक मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला आ गया। तो हमारा ये एक और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला आएगा? इसका फॉर्मूला जो आएगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इससे भी मैथ दिया होता है, बहुत सारे दिया होगा शायद से। तो फिर से हम एक बार ट्रेस करके लिख देते हैं, जो कि दो लाइन में आ गया, हम एक लाइन में लिखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला आ गया, जो कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसे ये जो जितना भी फॉर्मूला मैंने किया है, तो इन्हें अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जो कि हमें मैथ में काम आएगा। मतलब एलजेब्रा का जो मैथ दिया होता है उसमें बहुत काम आता है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी समझ आ जाए। तो अल्जेब्रा का फॉर्मूला तो और भी बहुत है, मतलब क्यूब का है, तो वो सब हम बाद वाला वीडियो में ले आएंगे। तो आज तक बस इतना ही रहता है।